नमस्कार। आदमपुर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, यह कह सकते हैं कि आदमपुर उपचुनाव के चुनाव का बिगुल बज गया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 6 नवंबर को वोट की काउंटिंग होगी। आदमपुर उपचुनाव आप सभी जानते हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए बेहद अहम है। इस उपचुनाव के परिणाम का पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ेगा। यह उपचुनाव ऐसे हालात में हो रहा है जब सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी और जेजेपी बड़ौदा और अन्नाबाद के चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में देखने की बात होगी क्या हार की हैट्रिक सत्ता गठबंधन को झेलनी पड़ेगी या विपक्षी दल जीत का झंडा फहराएंगे। आदमपुर का उपचुनाव इसलिए भी अहम है कि आदमपुर का उपचुनाव भजनलाल परिवार की सीट पर हो रहा है। भजनलाल परिवार के सदस्य कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट पर हो रहा है और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, भाजपा की तरफ से लगभग फाइनल है कि कुलदीप बिश्नोई की बजाय इस बार भव्य बिश्नोई चुनाव में उतरेंगे और विधानसभा के जरिए अपने सियासी करियर की क्लब 90 में शामिल होंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के दावेदारों में 3 लोग शामिल हैं, पूर्व मंत्री संपत सिंह, उनके बेटे गौरव संपत सिंह और पूर्व मंत्री जयप्रकाश। जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके हिसाब से 7 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन आदमपुर उपचुनाव का होगा और उसी दिन से आचार संहिता लागू होगी। आज सिर्फ प्रेस नोट जारी हुआ है, इस उपचुनाव के जो गजट नोटिफिकेशन है वो 7 अक्टूबर को होगा और उसी दिन से चुनाव आचार संहिता लागू होगी। जहां तक नॉमिनेशन की बात है वो 14 अक्टूबर से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर को इनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। नाम वापस लेने की तारीख अंतिम तारीख 17 अक्टूबर रहेगी। मतगणना जो पोलिंग है वो 3 नवंबर को होगी और काउंटिंग 6 नवंबर को होगी। अगर किसी कारण से यह चुनाव में कुछ दिक्कत होती है तो 7 नवंबर का तारीख भी इस चीज़ के लिए रिजर्व रखी गई है और 8 नवंबर को इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की निगाह लगी हुई है क्योंकि यह उपचुनाव जहाँ सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक लोकप्रियता का पैमाना होगा, वहीं विपक्षी दलों के लिए खासतौर पर हुड्डा परिवार के लिए यह चुनाव मायने रखता है क्योंकि हुड्डा परिवार को कांग्रेस में फ्री हैंड मिलने के बाद ये पहला चुनाव है। बड़ौदा में हुड्डा परिवार ने दबदबा दिखाया था लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की बेहद ही दयनीय हालत रही थी और वहाँ पर जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में देखने की बात है कि सबसे कमजोर गढ़ में भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कुलदीप बिश्नोई को कैसे निपटाएंगे। जब भूपेंद्र हुड्डा अपने पूरे शबाब पे थे यानी 2009 में 2014 में उन दो चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे, जबकि कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस छोटी पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद आदमपुर का किला भेदने में भूपेंद्र हुड्डा नाकाम रहे थे। इस बार कई चीज़ें बदली हुई हैं। इस बार जहाँ कुलदीप बिश्नोई भाजपा के झंडे के नीचे हैं वहीं बीजेपी को मात देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इनके बीच में आम आदमी पार्टी ने भी आदमपुर में एक बड़ी दस्तक दी है। लगातार पहले कांग्रेस के लिए और फिर भाजपा के लिए 10 साल तक फील्ड की पॉलिटिक्स करने वाले सत्येंद्र सिंह मुंड है वो कांग्रेस छोड़कर उसके बाद बीजेपी छोड़कर अब आखिरकार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सत्येंद्र सिंह का आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनना फाइनल है और उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ आ चुके हैं, उसके अलावा 3-4 बड़े और कार्यक्रम हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी लगातार पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से डटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली हुई है, कई बड़े लोगों को कांग्रेस ने शामिल करवाया है। कांग्रेस ये कहें या हुड्डा परिवार कहें वो आदमपुर में जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर वो कुलदीप बिश्नोई को हरा सकें। ऐसे में ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जहाँ भजनलाल परिवार के रसूख का सवाल है, उनके अजयगढ़ का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव को लेकर ये सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। ऐसे में देखने की बात यह है कि कांग्रेस संपत सिंह, गौरव संपत सिंह और जयप्रकाश में से किसे टिकट देती है या किसी गैर जाट चेहरे को लेकर आती है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि भी हुड्डा परिवार को लगता है कि जाट वोट बैंक बीजेपी और जेजेपी दोनों से नाराज है। ऐसे में उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर गैर जाट को टिकट दे दें तो गैर जाट वोटरों का एक उस वर्ग का वोट मिलने के साथ साथ जाट वोटर अगर लामबद हो जाएंगे तो कांग्रेस मुकाबले के नज़दीक पहुंच जाएगी, जीत के नज़दीक पहुंच जाएगी। ऐसे में देखने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कौन सी रणनीति को अपनाते हैं। इनके बीच में एक चौथी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।
इनेलो लगातार 2019 के चुनाव के बाद से गर्दिश में है। आज उनका सिर्फ एक विधायक अभय सिंह चौटाला है। अब देखने की बात यही है कि अभय सिंह चौटाला आदिपुर उपचुनाव में किस तरह से अपनी पार्टी की साख बचाएंगे, क्योंकि बड़ौदा में जहां बेहद खराब प्रदर्शन इनेलो का रहा था, वहीं एलनाबाद में अपनी सीट पर अभय चौटाला बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। ऐसे में अपनी साख को बचाना इनेलो और अभय चौटाला दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी। आदमपुर चुनाव को लेकर हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। रोजाना कम से कम 3-4 खबरें अलग अलग एंगल से आपको खरी खरी न्यूज़ पर सुनने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये आदमपुर चुनाव को लेकर एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दें और हमें सुझाव दें। नमस्कार।